अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं ये सामने यासीन कार एसी। इसको एक्सीलेटर दे के छोड़ेंगे ना, ये देखिए अंदर जाग नजर आ रही है, इसके अंदर लिक्विड नजर आना चाहिए, इसके अंदर लिक्विड नजर आना चाहिए, इसके अंदर जाग नजर आ रही है, ठीक है। गैस कम होने की निशानी होती है, जिस तरह मैं एक्सीलेटर दूंगा ना दे के छोड़ूंगा, इसके इसमें लिक्विड हमें नजर आना चाहिए। इन गाड़ियों के जो फल्टस आती है ना पाकिस्तान में जी, सबसे अगर मैं बुरा एसी कहूँ ना इस गाड़ी का, अच्छा फुल गर्मी में कूलिंग छोड़ देता है। अच्छा, कंपनी वालों ने 15 साल गाड़ी बेची हमें, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। सही, मल्टीफ्लो ज्यादा लाइनों वाला, ठीक है। अभी से आगे माइक्रो मल्टीफ्लो आ गए, उसकी ब्रीक नालियाँ इससे भी ज्यादा। अच्छा, वो बर्फ आ रही है। हाँ, बर्फ बन गई है। ये हमारी वही गाड़ी है। तो इमरान भाई, आपका क्या कहना है यासीन भाई के मुतालिक? नहीं, यासीन भाई अच्छे ने बंदे, अपना जिस तरह उन्होंने वीडियो वेखिया सन तो सही बना देने वीडियो भी, तो उन्होंने काम शाम भी सही करते ने। काम सही करते? हाँ जी बिल्कुल जी, काम सुनिया सी भी करते ने, जाके पता चलता है भी की एक होंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने सही दसा भी तुसी लै के आओ गड्डी है, उन्होंने चेक किया था भी उन्होंने सही इंदा सानू कर दिता। जो टोन कार मार्केट जी, जो टोन कार मार्केट वर्कशॉप जिधर है वहां पे पहुंच गए हैं। ये सीधा रोड जो जा रहा है ये यासीन एसी कार एसी वाले के पास जा रहा है, आगे कब्रिस्तान आएगा, कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ जो है ना वो बता रहे हैं जी उसकी शॉप है यासीन कार एसी वर्कशॉप, तो वहां पे पहुंचते हैं। ये सारा जो टाउन का इलाका है जो आपको दिखा रहे हैं, वर्कशॉप है इधर बहुत ज़्यादा गाड़ियों की, तो यहाँ पर आप ये ओल्ड फर्नीचर की कुछ दुकानें हैं, तो ये भी वर्कशॉप है सारी। आगे कब्रिस्तान आना है, कब्रिस्तान के साथ ही है बिल्कुल, तो जैसे ही वो कब्रिस्तान आता है फिर आप लोगों को उसकी शॉप का विज़िट भी करवाते हैं, तो फिर उनको एसी भी दिखाते हैं अंकल की गाड़ी का। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं ये सामने यासीन कार एसी, ये आल्टो जिधर लगी हुई है ये सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है यासीन कार एसी, हम पहुंच गए उधर, बाकी फर्दर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, चेक करने लगे हैं, चेक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये सामने यासीन भाई खड़े हैं, ये देखते हैं आप, उनके पास पहुंच गए हम। ये सामने ये उनके शागिर्द हैं जी, वो गाड़ी चेक करने वाले लगे हैं। एसी ऑन करें जी, ये सामने यासीन भाई गाड़ी देख रहे हैं जी आल्टो को। यासीन भाई आपकी वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, मेहरबानी। ये रायगढ़ से गाड़ी आई है आपके पास? चेक कर रहे हैं, इसमें हल्की सी गैस कम है, बाकी गैस वगैरह चेक कर लेते हैं। गैस आए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से उधर से आ जाए, ठीक है। इसके अंदर जाग नजर आ रही है, ठीक है। गैस कम होने की निशानी होती है, जिस तरह मैं एक्सीलेटर दूंगा ना देके छोड़ूंगा इसके, इसमें लिक्विड हमें नजर आना चाहिए। अच्छा, ये जाग नजर आ रही है, उस वक्त करवाई हुई है, कंपनी वालों ने 15 साल गाड़ी बेची हमें,
आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। सही ना, इसका अंदर हवा का फ्लो है, ये वाहद गाड़ी है। अच्छा, इससे आल्टो का अच्छा, मेहरान का अच्छा, मैं किसी से पूछ लेता सादा लगा हुआ है, मल्टी फ्लो होना चाहिए ज्यादा लाने वाला। सही, ये एक ही ट्यूब है जा रही है, पूरी घूम रही है। सही। ये पुराने वक्तों में पुरानी गाड़ियों, पहली टेक्नोलॉजी आई थी जो 96 या 95 में आई थी, तो नहीं 95 में, सॉरी 70 में आई थी ये टेक्नोलॉजी, ये वाले कंडेंसर। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने इस गाड़ी में यही यूज किया। ठीक है, हालांकि उनको चेंज करना चाहिए, दूसरी तमाम गाड़ियों में मल्टी फ्लो आ गए। ठीक है, ये जी शॉप है उनकी, विजिट करने ये सारा, ये कंडेंसर है मल्टी फ्लो ज्यादा लाइनों वाला। ठीक है, अभी से आगे माइक्रो मल्टी फ्लो आगे, उसकी ब्रीक नालियां इससे भी ज्यादा। अच्छा, ये तमाम गाड़ियों में पाकिस्तान में आ रहे हैं, सिर्फ एक ऐसी कल्टस है जिसमें उन्होंने नहीं लगाया, आवाम के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, 15 साल बेची है ये, फुल गर्मी में गाड़ी जाती है, इसका कूलर छोड़ देता है, कूलर पक्के जैसी आवाज़ सिर्फ कंडेंसर की वजह से। अच्छा, ये कंडेंसर की वजह से, तो इसमें ये कंडेंसर मतलब लग सकता है जो आप इसमें क्रोला का आल्ट्रेशन करके 6 मॉडल का लगा देते हैं, या ब्लीनो का आल्ट्रेशन करके, जनरल फिटिंग में किसी ने मंगवाया नहीं। अच्छा, जनरल मंगवाया नहीं, नहीं मंगवाया, इसमें ब्लीनो का एक आता है, ब्लीनो का भी ऐसी तरह मल्टी फ्लो आता है जी, वो लगा देते हैं, या क्रोला 6 मॉडल का लगा देते हैं, उससे कूलिंग का फर्क पड़ जाता है, वो दोपहर के टाइम काम नहीं छोड़ पाता। अच्छा, अदरवाइज इससे बहुत गर्मी हो तो पानी डालना पड़ता है, फिर कूलिंग करता है। अच्छा, शायद आपने गाड़ी रखी हो उसके लिए पता है जी, होता है इसी तरह ही, इसी तरह होता है, बाहर ये कल्टस गाड़ी। सही, बाकी अभी गैस पूरी कर लेते हैं। अभी देखे बात छोड़ दे, वो पानी की तरह लिक्विड आ रहा है, चेक कर ले। हाँ, बन गया पानी, पानी बन गया, बन गया बिल्कुल, ठीक है, इस तरह गैस होनी चाहिए, बिल्कुल इजी, कौन बंदा चेक कर सकता है, मैंने खुद चेक कर दिया, पानी की तरह लिक्विड बन गया, ये हार्न खोलेगा ना सामने नजर आएगा। हाई टेम्परेचर नहीं, गर्मी से ज्यादा हाइट प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि गर्मी की वजह तो यहाँ कंडेंसर जरा गर्म हो गया, अगर तो नॉर्मल टाइम से टेम्परेचर जो घट हो गए 30, क्योंकि टेम्परेचर में ना हाइट प्रेशर पड़ता, अगर 40 हो गए, 40 के नीचे हो गए तो कंप्रेसर हो गए, अगर इस टाइम भी जितना नॉर्मल इस टाइम कंडीशन है, टेम्परेचर इस टाइम 26 आ, ये लाभ अगर 40 तो उत्ते तो आ रहा, तो वह कंप्रेसर ठीक है, इस टाइम वह टेम्परेचर जिन्ना इस टाइम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से उसका बैक प्रेशर तकरीबन होना चाहिए 40 तो थले, 30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, इन्ना होना चाहिए। वेरी गुड, हाँ माशाल्लाह, देखो ना कूलर का कंप्रेसर खराब है फर्ज करें तो यही मॉडल है इसका, कंप्रेसर अभी जो प्राइस चल रही है तकरीबन 14,000 है जनरल कंप्रेसर। अच्छा, ये काबली होगा? हाँ काबली, इसमें 2-3 तरह के आते हैं, एक आता है ब्लीनो का। अच्छा, उसका थोड़ा सा फर्क होता है, शेप सेम होती है, ठीक है, ऊपर वाले कान का फर्क होता है। हाँ, एक जो इसका जनरल आता है वो 14, मेरे ख्याल में आइडिया 14, मेरे पास पड़ा नहीं है, मार्केट में पता करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये गाड़ियाँ कम आती हैं, तो इसका कंप्रेसर मेरे पास है, कंप्रेसर नहीं है इसका, कंप्रेसर नहीं, कल्टस का जनरल कंप्रेसर नहीं है मेरे पास, मार्केट से तकरीबन मेरे ख्याल में 14,000 का होगा। अच्छा, अच्छे वाला जैनमन कंप्रेसर, जो इसका जैनमन फिटिंग वाला आएगा, एक टेढ़े कान वाला आता है वो ब्लीनो का आता है, वो आपको सस्ता मिल जाएगा। सही, वो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में मार्कला में, सॉरी आता है वो बी पुली में आएगा, वो पुरानी पुली आपकी गाड़ी के उतर के उसके ऊपर लगेगी, ठीक है ना,
ज़्यादा। अगर जनरल पुली वाला लेंगे सारा कुछ तो वो 14,000 का वो सस्ता आ जाएगा, 10 से 12,000। ठीक है, 10 से 12,000 कूलिंग कितनी करेगा? सेम पिस्टन हर चीज़ का साइज सेम होता है, सिर्फ ऊपर वाला कान टेढ़ा होता है। अच्छा हाँ, फिटिंग का थोड़ा सा फर्क आता है लेकिन हो जाएगा, फिट हो जाएगा, फिट हो जाता है परफेक्ट। सही सही सही, वो सस्ता इसीलिए क्योंकि उसका कान की वजह से। अच्छा अच्छा, हालांकि साइज सेम, पिस्टन का साइज सेम, प्रेशर का साइज बाकी सेम है, सारा हर चीज़ सेम है। नीचे वाले कान ठीक, फाउंडेशन ठीक है, उसके ऊपर वाले फाउंडेशन का फर्क आता है। सही, मसला उसका कुछ नहीं होता। ये भी टिप है, मतलब कल्टस जिन्होंने रखी हुई है उनके लिए समझ लें एक टिप है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ, अभी वो कल्टस के लिए यही है कि कल्टस का जो कंडेंसर है ना, बस इसके वजह से जलालत हुई है वहाँ को, और दूसरा अंदर ब्लोअर छोटा डाला हुआ है, ब्लोअर का फ्लो नहीं है। चार पे आम गाड़ी का 2 पे जितना प्रेशर है, इस गाड़ी का 4 पे है। अच्छा, बस ये फर्क है, ये फर्क है। तो कंडेंसर मतलब बदल सकते हैं अगर बंदा चाहे तो, आर्टिशन करके लगा सकता है, बेहतर हो जाएगी आपकी, 20% कूलिंग बढ़ जाएगी कंडेंसर। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर ये भी हो रहा है कि बलालगंज में 70,000 रुपये लेते हैं तकरीबन, 60-70, मैंने नहीं लगाए। वो ये करते हैं कि अंदर जो इसका जेन्युइन बॉक्स है ना मुकम्मल, वो निकाल लेते हैं। अच्छा, हीटर सिस्टम सारा, तो वो आर्टिशन करके फिर वो साफ भी कुछ पार्टी में करते हैं, कुछ वैसे ही आर्टिशन करके जो पाइप लाइने नीचे होती है ना, डकते हैं जिससे हवा आती है, हाँ। जालियाँ वो भी निकाल लेते जर्मन वाली, उसमें जापानी गाड़ी वगैरह का किसी का इनके वैगन या विट्स वगैरह का पुरानी का वो फिट करते हैं, उसके हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही सही, लेकिन उससे ये मसला आता है कि गाड़ी का जो होता है ना हवा जब तेज करते हैं ना, उसका शोर थोड़ा सा अंदर पैदा होता है, क्योंकि वो पाइप बैंड दिए होते हैं उन्होंने, लेकिन होता है, हो सकता है मतलब। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, वो फिर हम गाड़ी लाएंगे आप लोग आपके पास, मतलब उसको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, अगर उसमें मसला है तो फिर बदल देंगे, आपको गेज लगा के चेक करवा देंगे। हाँ, अगर फर्ज करें वो फिर कान वाला लगा लेंगे, चलो उसमें कोई आसानी मतलब कोई बचत हो जाएगी। नंबर पे ये है कि इसमें जो कंप्रेसर जो बंदा भी चेंज करवाया है उसमें ऑयल अच्छा डलवाए, ऑयल अच्छा, गैस पे इतनी तवज्जो ना दे, सबसे ज़्यादा ऑयल 95% इसका ऑयल है, सिंथेटिक पैक ऑयल होता है, और गैस में सिर्फ कूलिंग बढ़ानी होती है, गैस की वजह से जो कंप्रेसर की लाइफ है वो ऑयल पे है, क्योंकि कंप्रेसर एक मूविंग पार्ट है, बाकी जितने गैस भी हेल्पिंग पार्ट है सारे हेल्पिंग पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ है इंग्रेडिएंट है, जिस तरह इंजन के अंदर ऑयल मोबाइल ऑयल अच्छा चलेगा, पेट्रोल से सिर्फ मिसिंग आएगी, इंजन ख़राब नहीं होगा। सही है, इंजन ख़राब होना है सिर्फ ऑयल से, मोबाइल ऑयल ने। क्या बात, इसी तरह जो कंप्रेसर है ये ख़राब ऑयल की वजह से होता है, गैस की वजह से सिर्फ 5% इफेक्ट आता है, 95% ऑयल की वजह से। हाँ, ऑयल महंगा है, कॉस्टली ऑयल डलवाएं अच्छा, आपका लाइफ टाइम चलेगा। मतलब एक गाड़ी जैसे ये गाड़ी है, ये फर्ज करें इसमें कितने का ऑयल वो डाल सकते हैं जो अच्छे वाला? तकरीबन अच्छे वाला वो 3,000 रुपये लगता है, 3,000 रुपया लगता है, अच्छे वाला ऑयल डल जाएगा। वो आपका एक चीज़ हल्का ऑयल जो है ना, हल्का ऑयल जो है, हाँ, वो इस टाइम है 1200 रुपये लीटर। ठीक है, अगर उसकी बड़ी पैकिंग लें यानी कि 20 लीटर की, तो वो मेरे ख्याल में 8 से 12,000 रुपये का मिलता है, ब्लू कलर का कैन जिसे हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सेल हो रहा है लोहे के कैनों में, तो जो अच्छा ऑयल है उसकी प्राइस है इस टाइम 16,000 रुपये के एक लीटर, जो सिंथेटिक पैक ऑयल है जो डेंस होगा। ठीक है, ठीक है ना, तो डिफरेंस आप ऑयल का लगा लें कहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हल्के ऑयल की तो प्राइस ना होने के बराबर, ना होने के बराबर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, कंप्रेसर खराब ही ऑयल की वजह से। सही, बिल्कुल सही हो गया। चलें जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका यासिन भाई, आपने तावन किया हमारे साथ। क्या वो बर्फ़ भी आ रही है? हाँ, बर्फ़ बन गई है जी। ये हमारी वही गाड़ी है जिसकी बिल्कुल कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, अभी यासिन भाई से मिलने के बाद उन्होंने थोड़ा सा काम किया, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं हमें बताया, हल्की सी गैस कम थी, उन्होंने कहा गैस का ही मसला है और कोई मसला नहीं है इसको, बाकी ठीक है सारी। दूसरी गाड़ी का मशवरा कर लिया, आप लोगों ने सुन लिया सारा कुछ, तो अभी माशाल्लाह इसकी जैसे आप ये देखें कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है, अंदर भी इंशाल्लाह ताला मज़ा देगी उम्मीद है। चलें, अच्छा जी, यासीन कार एसी सर्विस वाले भाई को मिल के अभी वापस आ गए हैं, गाड़ी में थोड़ा सा गैस कम था, ये इधर डालना, तो वो जो है ना उन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ बहुत तावन किया है, भी वो इस तरह भी उन्होंने हमें कोई ऐसा चक्कर नहीं दिया भी इसका कंप्रेसर ख़राब है या इसमें कोई और मसला है, सीधा ही सीधा ये कह रहे थे भी उसको ना अपना, उन्होंने हमारी गाड़ी को चेक किया है, गाड़ी को चेक करने के बाद माशाल्लाह वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं हमने, वो भी आप दोस्तों के सामने ही हैं,
तो अंकल जी यासीन भाई के मुतलक आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, ये किस तरह के बंदे हैं? ठीक है आदमी, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है जी। अच्छा अंकल का माशाल्लाह तजर्बा है, सारी जिंदगी गुजारी है ट्रांसपोर्ट में गुजारी है, अंकल कह रहे हैं कि अच्छा आदमी है, मतलब ये है कि लूट मार नहीं है उसमें। गैस कम था उसने गैस डाल दिया, गैस कम था गैस उसने डाल दिया 500 रुपया। हाँ वरना वो और भी कुछ कह सकता था, आप ये बदल दें ये बदल दें, ऐसा उन्होंने हमें कोई चक्कर नहीं दिया, सीधी बात जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो की है। वेरी गुड वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा तो वो सिर्फ 500 रुपया हमसे उन्होंने चार्ज किया, गैस कम थी वो उन्होंने गैस डाली है, वो आपको दिखा भी देते हैं, दिखाया जैसे जैसे आपने जो काम हुआ है सारा कुछ आगे से कंडेंसर को उन्होंने साफ़ किया है। तो जैसे अब गर्मी शुरू हो गई है तो आप मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो जो नज़दीक हैं दूर हैं जिधर किधर भी हैं वो अगर लाहौर का चक्कर लगे तो अपनी गाड़ी एक दफ़ा यासीन भाई को ज़रूर चेक करवाएँ ताकि आपकी गाड़ी का एसी का जो मसला है वो ठीक हो जाए। तो इमरान भाई आपका क्या कहना है यासीन भाई के मुतलक? नहीं यासीन भाई अच्छे ने बंदे, अपना जिस तरह उन्होंने वीडियो वेखिया सन तो सही बना देने वीडियो भी, तो उन्होंने काम शाम भी सही करते ने, काम सही करते। हाँ जी बिल्कुल जी, काम सुनिया सी भी करते ने, जाके पता चलता है भी की एक होंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने सही दसिया भी तुसी लै के आओ गड्डी है, उन्होंने चेक किया था भी उन्होंने सही इंदा सानू कर दिता, तो भी असि गड्डी लै के आवांगे इंशाल्लाह। तो कहने किने तो आती गड्डी दे बारे जरा उन्होंने मशवरा तुहानू दित्ता है? उन्होंने मशवरा बहुत सही दित्ता है, वैसे वो कहंदे ने भी तुसी अगर बलालगंजो भी ये काम करा दे ना जाके तो उन्होंने तुहाडे जैनमैन सारा समान ला के छड़ देना, पर कम से कम तुहाडा 70,000 रुपया लगेगा। हां इहदे विचों तुहानू कंप्रेसर दस दित्ता होगा 10-12,000 रुपया दा आएगा। हां जी ते इंशाल्लाह ताला वहां दा भी कूलिंग करेगी गड्डी इंशाल्लाह। चलो बिल्कुल ठीक हो गया। लो जी मेरे उन अंकल भी इमरान भाई भी मुतमिन ने यासीन ते भी ठीक, उन्हें सानू मशवरा दिता है, तो साडा एक्सपीरियंस यही आंदा है भी बंदा अच्छा है, क्यों अंकल जी? बिल्कुल अच्छा बंदा है, तो तुसी सारे भरा आ सकते जी उन्दे कोल ते अपना आके गड्डी दा एसी दा काम जो है करवा सकते जे, ताकि कोई भी गड्डी दे विच एसी दे विच मामलात ने गैस का मसला है या कोई इस तों हट के कोई मसला है वह तुसी अपना गैस की कमी बेशी है कंप्रैसर जो मसला है कंडेंसर जो मसला है उनकी सर्विस होने वाली है वो तुसी सारा कुछ करवा सकते हैं।